अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कॉस्की की कैलकुलस से एक्सरसाइज 12.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यह है कि फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दीज फंक्शंस। क्या इन तमाम फंक्शंस के लिए हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव से मुराद ये है कि ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें चूंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, टी और वी, तो हमें यहाँ डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू टी और डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वी भी फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें स्टेटमेंट कुछ यूं है कि एफ ऑफ टी वी दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एंड टी प्लस वी डिवाइडेड बाई टी माइनस वी स्केयर रूट। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करें, तो हम इसे लिखेंगे एफ टी मीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। अब डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, तो पहले होल फंक्शन देखा जाए, वो नेचुरल लॉग फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करते हैं, तो हम लिखते हैं 1 ओवर इनसाइड द फंक्शन, तो उसके इनसाइड है स्क्वायर रूट टी प्लस वी डिवाइडेड बाई टी माइनस वी, और जो उसके अंदर है, जो उसके नेचुरल लॉग के इनसाइड होता है, उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। एक्चुअली फार्मूला ये होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एनी फंक्शन जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर जी ऑफ एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जी अगर देखा जाए, तो वो स्क्वायर रूट टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी है। तो जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, तो 1 ओवर जी मीन 1 ओवर स्क्वायर रूट टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी, और फिर डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी स्क्वायर रूट। विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, तो हम लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ स्क्वायर रूट टी प्लस वी डिवाइडेड बाय टी माइनस वी। ओके, तो इसी को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा टी माइनस वी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टी प्लस वी स्क्वायर रूट, क्योंकि वो नीचे आना 1 ओवर है, तो जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। और इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, तो देखें यहाँ पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट मीन पावर 1/2, सो 1/2 पहले आ जाएगा, टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी, इसकी पावर 1/2 में से 1 और माइनस हो जाएगी, तो ये -1/2 बन जाएगा। और अब उसके इनसाइड जो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ टी प्लस वी डिवाइडेड बाई टी माइनस वी। यहाँ जो हमने फार्मूला अप्लाई किया वो ये है कि स्क्वायर रूट एनी फंक्शन जी ऑफ एक्स, अगर इसका हमने डेरिवेटिव लेना हो, तो वो क्या होता है, 1/2 जी ऑफ एक्स पावर -1/2, और फिर उस इनसाइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है। तो यहाँ इनसाइड फंक्शन टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी था, इसलिए अगेन उसका डेरिवेटिव भी लिया गया। ओके, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा टी माइनस वी स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय टी प्लस वी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई विद 1/2। अब ये टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी की पावर -1/2 है, तो जब हम इनको उल्टा देंगे, तो पावर +1/2 हो जाएगी, यानी टी माइनस वी पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय टी प्लस वी पावर 1/2। 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं, और यहां हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करना है। तो क्वोशेंट रूल क्या होता है, दो फंक्शन अगर आपके पास हो, एफ और जी, उनका क्वोशेंट हो और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो रूल ये होता है कि नीचे वाले का स्क्वेयर, पहले नीचे वाला फंक्शन, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। नीचे जो फंक्शन है वो है टी माइनस वी, तो नीचे टी माइनस वी का स्क्वेयर होगा, ऊपर पहले टी माइनस वी होगा और फिर डेरिवेटिव होगा टी प्लस वी का, जो कि 1 है, माइनस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, सॉरी, ऊपर वाला फंक्शन सेम टी प्लस वी और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो चूंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड कर रहे हैं और वी कांस्टेंट है, तो टी का डेरिवेटिव 1 होगा यहाँ। ओके, तो अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास होगा टी माइनस वी स्क्वायर रूट, टी माइनस वी स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टी माइनस वी बन जाएगा, 1/2 हम पहले लिख लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाई टी प्लस वी स्क्वायर रूट, टी प्लस वी स्क्वायर रूट ये बन जाएगा टी प्लस वी, एंड मल्टीप्लाई विद, ये जो क्वेश्चन में है,
टी प्लस टी माइनस वी स्क्वायर ऊपर टी माइनस वी और माइनस टी माइनस वी। तो यहाँ टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे, ये टी माइनस वी स्क्वायर जो पावर टू है एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो एट द एंड हमारे पास आंसर होगा 1/2 और 1/t+v और ब्रैकेट के इनसाइड है -2v डिवाइडेड बाय t माइनस वी होल स्क्वायर। तो ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट होगा -v डिवाइडेड बाय t+v टी माइनस वी स्क्वायर। ओके, तो ये अभी हमने सिर्फ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड किया है, जबकि हमें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी भी फाइंड करना है। तो एफ वी वो जो फंक्शन हमारे पास गिवन था वो एफ है नेचुरल लॉग की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/√ टी माइनस वी डिवाइडेड बाई टी प्लस वी। तो ये सेम पहले वाले की तरह ही है, लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल वी है जबकि टी कांस्टेंट है, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल वी ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन टी माइनस वी डिवाइडेड बाय टी प्लस वी। सॉरी, ये ऊपर टी प्लस वी है और नीचे टी माइनस वी है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो नीचे फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट में है तो ये बन जाएगा टी माइनस वी स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय टी प्लस वी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 पहले यानी पावर पहले आ जाएगी, टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी, इसकी पावर 1/2 में से 1 माइनस होगी तो -1/2, और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी है। तो क्वेश्चन रूल अब की बार हम अप्लाई करेंगे, पहले वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, टी माइनस वी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टी प्लस वी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई विद 1/2 और ये बन जाएगा टी माइनस वी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टी प्लस वी स्क्वायर रूट। और जब यहां हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन रूल साथ अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम टी माइनस वी और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, तो टी प्लस वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी 1 है माइनस ऊपर वाला फंक्शन टी प्लस वी और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, नीचे फंक्शन है टी माइनस वी तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी -1 होगा। ओके, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/2 टी माइनस वी डिवाइडेड बाय टी प्लस वी और फ्रैक्शन में जो है ब्रैकेट के अंदर वो है टी माइनस वी प्लस टी प्लस वी एंड होल डिवाइडेड बाय टी माइनस वी होल स्क्वायर। तो टी माइनस वी होल स्क्वायर एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, वी और माइनस वी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1/2 1/t+v इंटू 2t डिवाइडेड बाय टी माइनस वी। सॉरी, यहाँ ऊपर भी टी माइनस वी स्क्वेयर तो हम सॉल्व कर आए थे, तो यहाँ जस्ट पावर 1 है क्योंकि एक पावर तो कैंसिल हो चुकी थी। ओके, सो 1/t+v एंड 2t/t-v इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर होगा t डिवाइडेड बाय t प्लस वी टी माइनस वी, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन जो है एफ ऑफ यू वी है और वो है आर्क टेन यू ओवर डब्ल्यू, एफ ऑफ यू डब्ल्यू है, तो इसे दोबारा लिखते हैं एफ ऑफ यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू आर्क टैन
यू ओवर डब्ल्यू। आर्क 10 से मुराद होता है टेन इनवर्स, आर्क 10 यू ओवर डब्ल्यू, दिस इज सेम एज टेन इनवर्स यू ओवर डब्ल्यू। अच्छा, अब टेन इनवर्स का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू भी और विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू भी। तो पहले हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड कर लेते हैं। जब हम एफ यू फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो डब्ल्यू है वो तो कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स का फार्मूला ये होता है टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक्स की जगह अगर कोई और फंक्शन हो तो अगेन उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ होगा वन ओवर वन प्लस यू ओवर डब्ल्यू इसका स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ यू ओवर डब्ल्यू, एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है, ये इक्वल होगा वन ओवर वन प्लस यू स्क्वायर ओवर डब्ल्यू स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद। अब इसका डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू यू लेना है, तो ये जो नीचे डब्ल्यू है ये तो कांस्टेंट है, सो हम इसे लिख सकते हैं वन ओवर डब्ल्यू एंड पार्शियल ओवर पार्शियल यू ऑफ यू। ओके, वन डिवाइडेड बाय, नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि डब्ल्यू स्क्वायर होगा, सो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और ये होगा वन ओवर डब्ल्यू। अब डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू जो कि वन है, सो हम इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर मल्टीप्लाई विद वन ओवर डब्ल्यू। एक डब्ल्यू से एक डब्ल्यू की पावर भी कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आंसर होगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फाइंड करते हैं। एफ डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, फंक्शन हमारे पास यही है, टेन इनवर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सो वन ओवर वन प्लस यू स्क्वायर ओवर डब्ल्यू स्क्वायर या यू ओवर डब्ल्यू होल स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फाइंड करना है, और किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यू ओवर डब्ल्यू का, तो ये इक्वल होगा वन डिवाइडेड बाय इनका एलसीएम डब्ल्यू स्क्वायर, सो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फाइंड करना है, तो यू कांस्टेंट है, यू हम बाहर लिख लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल डब्ल्यू, और ये जो वन ओवर डब्ल्यू है उसे हम लिख लेते हैं डब्ल्यू पावर माइनस वन, डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। ये इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इन टू यू, और w पावर माइनस वन का डेरिवेटिव होगा माइनस वन w पावर माइनस टू। तो ये w पावर माइनस टू और w पावर टू, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन बन जाएंगे, हमारे पास आंसर होगा माइनस यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 9, जिसमें जो फंक्शन दिया गया है वो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई, और वो इक्वल है एक्स कॉज एक्स ओवर वाई के। तो दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई, पहले हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते हुए हम देखें कि यहाँ दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं जिनमें एक्स और वाई हैं, एक एक्स है और एक कॉज एक्स ओवर वाई है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि दो फंक्शन अगर आपके पास एफ और जी, उनका डेरिवेटिव लेना हो तो वो इक्वल होता है एफ डेरिवेटिव जी प्लस जी एफ डेरिवेटिव, यानी एक का डेरिवेटिव लेकर एक कांस्टेंट रखा जाए साथ। तो हम पहले एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं, या प्रॉपर हम इसको मुकम्मल इस तरह से लिख सकते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स और साथ में कॉज एक्स ओवर वाई एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस एक्स सेम और डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स ओवर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि वन होता है, कॉज एक्स ओवर वाई एज इट इज होगा प्लस एक्स, और कॉज का डेरिवेटिव, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स ओवर वाई
लेकिन यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ। देखें कि यहाँ एंगल में एक्स नहीं है बल्कि एक्स ओवर वाई है, तो इसका मतलब ये जो एक्स ओवर वाई है इसका डेरिवेटिव भी हमें फाइंड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हुआ कॉस एक्स ओवर वाई माइनस एक्स साइन एक्स ओवर वाई, और एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो वन ओवर वाई तो कॉन्स्टेंट है और वन ओवर एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स ये वन बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा कॉस एक्स ओवर वाई माइनस एक्स साइन एक्स ओवर वाई, ये जो वन ओवर वाई है ये बेसिकली इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स ओवर वाई लिख लेते हैं, और इस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पहले ही वन है, तो यही हमारा आंसर होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करते हैं, लेकिन जब हम वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर रहे हैं तो उस वक्त ये एक्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स को एज इट इज लिख लेते हैं और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ कॉस एक्स ओवर वाई करते हैं। अब एक्स तो बाहर लिखा जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन है सो माइनस साइन एक्स ओवर वाई, और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मीन पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एक्स ओवर वाई। ये इक्वल होगा माइनस एक्स साइन एक्स ओवर वाई। अब जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स को हम आउटसाइड लिख लेते हैं और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ वाई की पावर माइनस वन लिख लेते हैं। ये होगा माइनस एक्स साइन एक्स ओवर वाई और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ वाई इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये होगा माइनस वाई पावर माइनस टू, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको माइनस एक्स और इस एक्स को मल्टीप्लाई कर लें। याद रहे कि ये वैल्यूज जो बाद में लिखी गई हैं ये एंगल के साथ नहीं बल्कि पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वाई स्क्वायर एंड साइन एक्स ओवर वाई, या फिर हम इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर एंड साइन एक्स ओवर वाई। तो यह हमारी क्वेश्चन मुकम्मल है।